एक्सक्यूज मी गाइस, यार मैं ना एक शायर हूँ तो मैं ना शायरीज वगैरह सुनाता हूँ लोगों को। मेरा नाम लोल शायर है। वो मतलब मैं ऐसी शायरी सुनाता हूँ ना, तो लोलू शायर भी कहते हैं कई लोग, लोल शायर भी कहते हैं। तो मैं एक शायरी सुनाना चाहता था, क्या सुनोगे आप मेरी? प्लीज यार, एक छोटी सी शायरी है, हंसी बहुत आएगी, हंसने वाली शायरी है, फिर आप चाहे चले जाना, कोई बात नहीं। अगर अच्छी ना लगे तो मार के भगा देना, और क्या कह सकता हूँ। नहीं मार देना, बस एक छोटी सी शायरी 10 सेकंड सुना दो। मैं लिख के लाया हूँ, मैं सुना देता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। तो अर्ज किया है, इरशाद करो ना। अच्छा, अर्ज किया है, मैं तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ। अच्छी लगी, अच्छी है ना। मैं तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ, मुझे बवासीर है पर मैं ऑपरेशन से डरता हूँ। ये बस ठीक थी, अच्छी लगी शायरी। एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी गाइस, यार मैं ना एक सिंगर हूँ, तो अभी मैं मतलब गाने वाने गाता हूँ, तो मैं अभी ना ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूँ सारे गावा पा की। अच्छा, तो मैं लोगों को ना जा जाके गाने सुनाता हूँ, तो मैं आप लोगों को एक गाना सुना सकता हूँ, एक अच्छा सा? नहीं भैया, अभी हमारे एक छोटा सा ही है, बस थोड़ा सा सुन लो बस प्लीज यार। अभी टाइम नहीं है, मेरा टाइम है, अभी खेलने में थोड़ा। बस छोटा सा गाना है, एक छोटा सा अच्छा सा गाना सुनाऊंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना, क्योंकि मैं ना ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो आप बता देना, नहीं अच्छा लगेगा फिर मैं और प्रैक्टिस करूंगा ना गाने की। और गाना भी कमाल की बात है, ये मैंने खुद ही लिखा है, खुद का सॉन्ग है मेरा। चलो कोई नहीं, राइटर भी मैं हूँ, कंपोजर है। सुना दूँ? सुना दो। ठीक है, बजा आएगा ना भिड़ो। पहले मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है और किस पर्पस से लिखा है। तो जो ये गाना मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने पाद के ऊपर। अरे सुनो तो पूरी बात को सुनो। ये जो गाना मैंने लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है, जैसे कई बार क्या होता है, हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो पादता कोई है और सूंघता कोई है। अरे आप सुनो तो सही, बहुत अच्छा गाना है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप मुझे भगा देना है ना। हाँ तो आप भगा देना, मैं चला जाऊंगा चुपचाप, डांट देना और क्या, मैं कुछ कह थोड़े ना। बस मारना नहीं है, बस मैं ईंट मीट मार देता हूँ पागल हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग में अभी खराब है ना, तो कभी कभी मैं दौरे भी पड़ जाते हैं। तो मैं गाना सुनाता हूँ, ठीक है? नहीं मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप बस मेरा गाना सुन लो, आप बताना कैसा लगा, ठीक है? सो गाना ऐसे है, तू पाद है। अरे सुन तो लो यार पहले मेरा। अरे आगे तो सुनो, सुनो गाना सुनो। किसी और का तुझे कोई और। मजाक उड़ा रहे यार, मैंने खुद लिखा जी मेहनत से। नहीं नहीं बढ़िया था, समझ बढ़िया ना। तेरे पाद में नमक मिर्ची का हम फिर भी एडजस्ट करते हैं, पाद है किसी और का तुझे कोई और है। ठीक है, बस इतना सा गाना था मेरा, बढ़िया लगा ना? बहुत बढ़िया, मैं पास हो जाऊंगा ऑडिशन में। क्यों? ये कॉमेडी चल रही है यहाँ पे शायद से। नहीं मैं गाना गा, मैं सिंगर हूँ, राइटर हूँ, खुद लिखता गाता हूँ। सॉन्ग नहीं है लेकिन ये कोई है। यार इतना अच्छा गाना गाया, देखो कैसा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वो देखो, नहीं अच्छा लगा, मैं जीतूंगा ना सारे गाँव। आप जीत चुके हो। मैं जीत चुका हूँ, क्या बात कर रहे हो? इसलिए आपको अच्छा लगा। चलो थैंक यू यार, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा, मेरा गाना बहुत अच्छा है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, मैं सारे गाँव पर जीतूंगा, सारे गाँव पर जीतूंगा, जीतूंगा सारे गाँव पर मैं।